अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको शर्ट के घेरे या चौक की सिलाई करना बताएंगे कि किस तरह सिलाई की जाती है। इसके लिए आप वैसे तो डायरेक्ट भी हम लोग सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो नए सीखने वालों के, इसलिए हम इस्त्री की मदद से इसकी भार बैठाएंगे सिलाई। ये देखे कपड़े की तय लगा दी हमने, फिर आपको बहुत ही आसानी होगी कि जितना हमने कपड़े को लेना है उतनी मैंने इसकी कर दी। ये देखें, अब ये थोड़ा काम ज्यादा हो जाएगा वो आप देख लीजिएगा, ये इतना कपड़ा इसके अंदर जाएगा, इसको हम दोबारा से यूं करेंगे। अब इसकी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें, फिर भी मैंने आपको बता दिया, मैंने तो इसको डायरेक्ट सिलाई लगानी थी, लेकिन चूंकि नए सीखने वाले प्रॉपर सीखे, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आप समझे कि बिल्कुल आपने आंखें बंद करके इसके ऊपर पहले सिलाई लगा देनी है, वो भी हम आपको लगा के बताएंगे। इसी तरह आपने सारी कमीज के घेरों को लंबाई वाली साइड से सिलाई इस प्रेस की भांड बैठानी। ये मैं थोड़ा कपड़ा चौड़ा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नीचे से घेरा ठीक आएगा, ये हेल्दी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है मूवमेंट ना, कि ऊपर से कोई बंदा हेल्दी हो या कमर मोटी है तो फिर उसके लिए हम नीचे घेरा तंग रखते हैं ताकि वो स्मार्ट लुक आए। स्मार्ट लुक के लिए हम इतना ज्यादा मैंने अंदर कपड़ा दिया। इसी तरह आप चारों तरफ से, ये आप देख लें, मैंने और इस्त्री करके इसकी तय लगावा दी। ये देखिए हर तरफ से, फिर आखिर में आपने इसके चाक लेकर ये जो इसका घेरा है इसकी भी यूं जितनी आपको अंदर करना है इसको कपड़ा। ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट इसका आधा लिया है, ये देखिए इसको भी मैंने क्या किया इस तरीके से फोल्ड कर दिया, इसकी भी तय लग गई है, इसमें भी आपको मसला नहीं। और जिस तरह हमने ये देखे घेरे को फोल्ड किया था उसी तरह इसको भी फोल्ड करना है। ये वाइट बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। आजकल तो वैसे ऊंची कमीजों का फैशन है, लेकिन आपने ये वाइट बिल्कुल ना आए, या कोशिश करके अगर कपड़ा काम भी है तो इसको फिर भी अंदर की तरफ लेना है, बाहर नजर ना आए। ये देखते हैं आप, इसी तरह मैं दूसरे का कर लूंगी और यहां से आपकी शर्ट स्टार्ट हो जाएगी और हम सिलाई लगा देंगे। अब मैंने इसमें आपको पूरा बता दिया है कि किस तरह इस्त्री के साथ हमने इसकी तय या उसको फोल्ड लगाया और कैसे इसके ऊपर सिलाई लगनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम इसको सिलाई लगाते हैं। अब आप ये नाजरीन देखें कि पहले हमने आपको इसकी फोल्ड बिठा कर दिखाई थी कपड़े की, आप देखिए इसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना, फिर से बता देती हूँ, ऐसे कपड़ा पकड़ा है, इसको एक तय लगाई तकरीबन हाफ इंच की और हाफ इंच आपने फिर फोल्ड कर दी है जो कि कटिंग में बता दी है। ये देखिए ये सिलाई लगा, इसमें भी मैं डबल धागे का इस्तेमाल किया है ताकि कपड़े का जो कलर है वो मैच कर जाए, प्रॉब्लम ना हो। ये आप देखिए ये देखिए आप, यहां से आप जो मेन काम है वो ही देखें। आपने देखा कि मैंने सारा चौड़ा चौड़ा लाई हूं, लेकिन यहाँ पे आकर कपड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई मोटा होगा तो उसका घेरे नीचे से ज्यादा कवर कर लीजिएगा और ऊपर से उतना ही रखेगा जितना उसकी फिटिंग में। ऐसे वो बंदा जो शर्ट पहनेगा या जो भी पहनती है लड़की और वो स्मार्ट लगेगा, वरना आमतौर पर तो ये लोगों को पता ही नहीं होता इसका, आमतौर पर इसको पता ही नहीं होता। लोग इसको क्या करते हैं, जितना ऊपर से रखा 30 अगर नीचे स्थाई कहा तो ऊपर भी तो वो घेरा इस तरह अलग ही लग रहा होता है, लेकिन इसमें हमने नीचे से घेरे की कटिंग काम कर ली क्योंकि कपड़ा अंदर ज्यादा दे। अब आप ये देखें जहां पे ये एंड आया है मैंने इसको पैर को उठाया और मैंने शर्ट को घुमा दिया इसकी तरफ ऐसे और इधर सिलाई लगानी शुरू कर दी। हाँ यहाँ पे आपके अच्छा, आपको हाथ की मैं मशीन से इसलिए बता रही हूँ कि सबके घर में इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होती, कपड़ा वो भी ऐसे ही सीती और ये भी ऐसे ही सिलेगा, इसीलिए फिर जो चीज सबके पास अवेलेबिलिटी हो उसी के तहत मैंने आपको बता दिया। एक कॉर्नर यहाँ पे किया और एक कॉर्नर अब मैंने यहाँ से किया, यहाँ से फिर कपड़ा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, ये आप देख लें और इसको सिलाई लगा। अब आप देख लें दोनों तरफ से एक ही जितना है, यहाँ पे भी वन फिंगर और यहाँ पे भी एक उंगली का है।
इसी तरह आप सारे पूरे चारों तरफ हम घेरों को ऊपर नीचे से सिलाई लगा देंगे, वो मैं हम लगा रहे हैं आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। अब ये एंड हो रहा है, अब ये शर्ट का घेरा आ गया नीचे वाला हिस्सा ना कॉर्नर। आप कॉर्नर को आप ये देखें, मैंने आपको पहले बताया व्हाइट वाला हिस्सा गायब करना बिल्कुल, ये देखें। फिर हाफ इंच, पहले भी हाफ इंच की बात हुई है, यहाँ पे भी हम हाफ इंच लेंगे। इधर से नजर आ जाए तो खैर है, ठीक है, बाद में नहीं करना, लेकिन यहाँ पे पहले आपने प्रॉपर ऐसे सिलाई लगा दी। ये एक तरफ का सारा घेरा पूरा हो गया, ये देख रहे हैं। अब इसी तरह आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, दूसरी तरफ फिर आपने ऐसे ही आधा इंच अंदर आधा इंच बाहर, पूरा एक इंच का कपड़ा अंदर जाएगा और ये सिलाई। ये अब आप देख लें, पहले हमने सारे आप घेरों की चारों तरफ सिलाई लगा ली है, ये सात तरफ आपको सिलाई नजर आ गई। अब हम इन्हीं के डबल सिलाई लगाएंगे एंड पॉइंट पर, आखिरी हिस्से पे, ये मशीन के पैर में। यहाँ से थोड़ा सा टांगा पकड़ा करके सिलाई लगने लग गई है और ये देखें एंड पर है बिल्कुल। इसी तरह अपने चारों तरफ कमीज के लगा देंगे। अब ये देखें हमने सारे घेरे को लगा लिए डबल सिलाइयाँ, ये देखें। अब जैसे इस पहले बताया था चौक के बिल्कुल एंड पर हमने इसको सिंपली मोड़ा, मोड़ कर इसको दोबारा से सिलाया, देखते रहे कैसे डबल सिलाई लगा के आ गई। एंड पर फिर आप ले जाएं जहाँ पे इसका लास्ट आएगा और इसको इस साइड पे लाकर इसको पक्का करें और इस तरह आपका सारा घेरा तैयार हो गया। आज हमने सीखा कि किस तरह पहले इसकी स्त्री के साथ हमने इसकी तय बिठा दी, इसको फोल्ड करना सिखाया, फिर आधा इंच एक इंच कपड़ा लेके आधा अंदर आधा फिर डबल करके इसको सिलाई लगाना सिखाई, और इस तरह आपके सामने ये हमारी शर्ट का तमाम घेरा तैयार हो गया। आपके घेरे ऐसे आए हैं जैसे अभी इसको प्रेस किया हो, ये देखें ये आपके सामने। और आज के एपिसोड में हमने ये देखा है कि किस तरह इसको घेरे बनाया जाते हैं, किस तरह इसकी सिलाइयाँ लगेंगी, ये हमने डबल और सिंगल सिलाई लगाकर आपको बता दी है। अब मैं इसको दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ, ये फ़र्क इसलिए रखा है ताकि आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें। और इसकी बैक से भी आप देखें कि किस तरह हमने कहा कि वाइट कपड़ा बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, वो हमने इसके अंदर दे दिया और ये हाफ इंच की आपकी सारी सिलाई नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं कि स्टिचिंग इसकी किस तरह घेरे की जाती है, चौक किस तरह बनाए जाते हैं। कल इंशाल्लाह फिर नए काम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।